काउंसिल की एक आवश्यक बैठक का आयोजन दीवानी कचहरी के सभागार में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, उपाध्यक्ष ललिता पांडे सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा ग्राम न्यायालयों के नाम पर न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया गया। इन अधिवक्ताओं का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ गोरखपुर में भी स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना करके न्यायाधीशों का भी स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे कि न्यायिक कार्यों में अव्यवस्था हो रही है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा, पंगु हो गई है, चरमरा गई है, वादकारी से लेकर अधिवक्ता परेशान हैं। उसी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग पिछले 19 तारीख से हड़ताल पर हैं और आज की ये साधारण सभा की बैठक इसी निमित्त आहूत की गई थी कि आगे के क्या कार्यक्रम हम लोग निर्धारित करें, तो जिसमें ये तय हुआ है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ नहीं उठाई, इसके तरफ स्पष्ट रूप नहीं बनाया और खंडपीठ की स्थापना के लिए प्रयास नहीं हुए, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता तब तक ज्ञान न्यायालयों की स्थापना रोकी नहीं गई, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम सड़कों तक भी उतरेंगे और हर तरह का प्रदर्शन धरना करने के लिए बाध्य। दिन भर में बस।